फिफ्थ नंबर ओके इंटीग्रेशन का, तो ये क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेसिकली, तो डायरेक्ट हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको एक फॉर्मूला पे लगा सकते हैं, साइन एक प्लस बी एक कॉस ए प्लस बी ठीक है इक्वल टू क्या हो सकता है ए टू, तो क्योंकि टू टू कर सकते कैंसिल हो सकते, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टू टू हो गया तो सेम आ जाएगा ना, कोई इशू नहीं मेरे पास, साइन ए टू ए एक्स प्लस बी अभी आ गया मेरे पास ये। आप क्या करेंगे इस पार्ट को टी मान लेंगे ओके, लेट क्या कर देंगे टू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो टू ए डी एक्स इक्वल टू डी टी ठीक है, तो हमारे पास डी टी क्या हो जाएगा, तो डी एक्स मेरा हो जाएगा क्या डी टी बाय टू ए ओके, तो ये पार्ट्स हो गया तो ये पुट कर देंगे, मेरे पास क्या है साइन टू ए एक्स प्लस बी है ओके बाय टू है, यहाँ पे टी डाल देंगे और ये मेरा डी एक्स, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये तो हाफ हो गया इसका, ये पूरा साइन इसको क्या मान के रखा है टू ए एक्स हो पूरी पूरी टी, ये क्या है डी टी बाय, ये क्या हो गया मेरा टू टू ए, तो ये क्या हो वन बाय फोर ए, और इसको क्या लिख देंगे माइनस कॉस टी प्लस सी, बस ये कंप्लीट हो गया मेरा, ये क्या इधर माइनस डाल दो कॉस ये टू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आपको कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर सिक्स ओके, क्या है रूट ए एक्स प्लस क्या है बी ओके, तो इसमें कुछ नहीं करने का, आपको फिर से क्या करेंगे रूट ए एक्स प्लस बी टी एक्स रख देंगे, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होगा टी, तो इसको डी एक्स मेरे से क्या होगा ए डी एक्स डिफ्रेंशिएट करो डी टी, तो डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी बाय ए, तो ये पुट कर देंगे वैल्यू ठीक है, ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी पहले से है ओके, इसको क्या ठीक है रूट है, तो इसको क्या करते हैं हाफ लिख सकते हैं हाफ ए डी एक्स, तो ये मेरा क्या हो गया ये डी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे ये ए एक्स प्लस इसको टी कर टी, ये मेरा क्या टी हाफ, तो ये क्या डी टी बा ए, तो ए को हम लोग बाहर डाल देते हैं ए इसको, और इसको क्या हो जाएगा ये मेरा टी थ्री बाय टू, और ये क्या हो गया थ्री बाय टू ओके, और ये प्लस सी, तो ये मेरे पास क्या वन बाय ए ये इंटू टू बाय थ्री, और टी की वैल्यू पुट कर दो कितना है ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास थ्री बाय टू प्लस सी, तो ये हो जाएगा क्या अरेंज कर दो टू थ्री है ए एक्स प्लस बी ये थ्री बाय टू प्लस सी कंप्लीट, एनी क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट।